आपको बोलता हूँ कि जब हम लोग कामयाब होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि करोड़ों रुपए कमाए, ये गाड़ी वो गाड़ी, लोग बोलते हैं सर अच्छी थी। आज सतवीर जी को बोलते होंगे किस्मत अच्छी थी, बोलते हैं कि नहीं बोलते? और आप में से भी कई लोगों ने ज्वाइन करने से पहले जिन लोगों ने कई कई बार फॉलोअप कराया है ना, उन्होंने भी ऐसे ही बोला था। जिन्होंने 10-10 बार फॉलोअप कराने के बाद आए ना, वो लोगों ने भी ऐसे ही बोला था कि नहीं बोला था? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या किस्मत से करोड़पति बन गए हैं? क्या लगता है आपको किस्मत से कामयाबी आती है? नहीं। गलत फहमी आज निकाल के जाता हूं आपको, ये सच है, किस्मत से ही कामयाबी आती है। बिना किस्मत वाले को कभी कामयाबी नहीं मिलती, बिना किस्मत वाले को पद किस्मत को कभी कामयाबी नहीं मिलती। याद मेरी बात का, थोड़ा सा मेरी वर्डिंग को गलत नहीं लेना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, किस्मत वाले को ही कामयाबी मिलती है। और किस्मत कौन लिखता है? हम नहीं लिखते, हमारा काम किस्मत लिखना नहीं है। कैसे समझाना, समझे इस बात, आप जब इस हॉल के लिए चले और आपने किसी और को भी बुलाया होगा, उसके घर में कोई ना कोई काम आया होगा ना, उसकी किस्मत आज सही नहीं थी। जब आपको यहां इनवाइट किया गया, किसी को प्लान दिखाने गए और किसी ने आपको रिजेक्ट किया था कि नहीं किया था, उसकी किस्मत सही नहीं थी। किस्मत का दूसरा नाम अपॉर्चुनिटी, किस्मत का दूसरा नाम मौका। ये हमारी किस्मत है कि हमें असली केस वेलनेस करने का मौका मिला, ये किस्मत है। नहीं तो आगरा की सड़क पे लोग आज भी सोच रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के आगे माथा टेक रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये भगवान कुछ ऐसा रास्ता दिखा, ये भगवान मेरी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा उतार कर कि मुझे भी कोई काम मिले और मैं कामयाब हो जाऊं। दर दर की ठोकरे मंदिरों के आगे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, क्योंकि उनकी किस्मत अभी जागी नहीं है। किस्मत है इसीलिए इस हॉल में है। अगर बद किस्मत होती दोस्त, ये बात सच है। पहला काम किस्मत ऊपर वाले को लिखनी थी, उसने लिख दी। किस्मत का काम होता है मौका देना, और कर्मों का काम होता है पूरी दुनिया को चौंका देना। कर्म ऐसे करो कि पूरी दुनिया चौंक जाए, यार कर क्या दिया इस बंदे ने। लेकिन दोस्त, जब तक आपकी किस्मत सही जगह नहीं होगी ना, तब तक आपके कर्म कोई काम नहीं करेगा। जब तक कर्म तो बाहर रिक्शे वाला भी कर रहा है, कर्म तो किसान भी कर रहा है, कर्म तो मजदूर भी कर रहा है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म पे और सही किस्मत के साथ नहीं कर रहा है। आज खुश हो जाइए, अपने पीठ थप थपाइएगा कि हमने अब किस्मत मेहरबान हो चुकी है, अब तो सिर्फ कर्मों को करके दिखाना है। लेकिन किस्मत कितनी अच्छी हो जाए, अगर किस्मत के बाद कर्म नहीं किएगा तो वो किस्मत भी बदकिस्मत में बदल जाती है। क्या था, आपको एक बात बताता हूं, आपने बचपन में पत्थर फेंके ही नहीं फेंके, अपने राजस्थान में लकड़ी वो कपड़ों की गिंडी बना लेती है, बोल गेंद ये तो बाद में सीखता हमने, पहले क्या बोलते थे, गिंडी बना लेते थे और उसको गुल्ली डंडा खेलते थे, ये था ना, फेंकी है कि नहीं फेंकी। जब जब आपके खेत के अंदर गाय भैंस और नील गाय आई है, उनके पीछे पत्थर और लाठियां फेंकी है कि नहीं फेंकी, उनको भगाने के लिए फेंके है ना। जब आपके खेत के अंदर जब कोई जानवर दाना चुगने के लिए आया होगा, तो आपने डंडे फेंके होंगे, आपने थालियां बजाई है कि नहीं बजाई? मेरे दोस्त, वो डंडे खेत के बाहर जानवर भगाने के लिए भी आपने फेंके हैं, लेकिन एक आदमी की किस्मत ऐसी जागती है कि कुछ फेंकता है और रातों रात ओलंपिक के अंदर नाम कमा जाता है। क्या नाम था? नीरज। कुछ चंद सेकंडों के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्टार बन गया था नीरज चोपड़ा, ऐसे था। अरे बचपन से वो डंडे हम भी फेंक रहे हैं, बचपन से डंडे फेंक रहा है, लेकिन किस्मत थी कि वहां जाने का मौका दिया, और कर्म था कि बाउंड्री पार करवा दिया उसने। और जैसे ही किस्मत पे कर्म हुआ,
तो उसके बाद सेकंडों के अंदर हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पछाड़ के रातों रात स्टार बना के नहीं बनाया। मेरे दोस्त, मौका हम लोगों को मिल चुका है, और ये मौका जब मुझे मिला था और मैंने ये सोचा था कि देखिए जिंदगी में किसी को लगता है कि 5 साल ज्यादा है, मैं कहता हूं 5 साल ज्यादा है, कुछ मत करो, कुछ मत करो। आपकी जिंदगी का यहां बैठे बैठे आज का दिन कम हो गया, 5 साल में से एक दिन निकल गया, कुछ मत करो। सोच के देखो 2016 से लेकर 21 कैसे आ गया पता चला गया, 21 से 26 भी वैसे आ जाएगा पता नहीं चलेगा। और करना है तो आप ठान लीजिएगा, और एक चीज सोच के ठानिएगा इस बिजनेस को। मैं नहीं कहता बिजनेस करें मत करना, लेकिन एक सवाल आज अपने आप से घर जाने के बाद आप कर रहे, एक सवाल। कोरोना के अंदर आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, बहुत सारे ऐसे परिवार देखे जिनके अंदर कोई भी कोई कमाने वाला अपने परिवार को पीछे छोड़ के चला गया। देखिए, क्योंकि देखिए सीखना हर जगह से चाहिए, बचाव हर जगह रखना चाहिए, लेकिन ऊपर वाले की लिखी हुई को कोई टाल नहीं सकता। और बहुत सारे परिवारों में ये हो गया कि एक अकेला कमाने वाला था वो चला गया, इसके बीवी बच्चों को और परिवार को और बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क पीछे छोड़ के चला गया, हुआ कि नहीं हुआ। मेरे दोस्त, आज घर जाने के बाद एक सवाल अपने आप से करना, बड़े प्यार से आपको समझा रहा हूं। कमाते होंगे आप 1 करोड़ रुपए महीना, कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कमाते होंगे 100 करोड़ रुपए महीना, कोई वैल्यू नहीं है। मेरे इस सवाल का जवाब अगर आपका हाँ में आया तो आप चाहे 10 रुपए कमाते होंगे, आप 1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले से बड़े हैं। और वो सवाल ये है कि रात को आराम से ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि क्या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं कि कल को मैं रहूं या ना रहूं, काम करूं या ना करूं, मेरे परिवार को लगातार लगातार और लगातार मैंने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से पैसे आते रहेंगे। अगर आपका जवाब आता है कि ऐसा मैंने अभी तक नहीं किया, तो मैं आपको बोलता हूं कि आज से मन से असली बिजनेस करना, मन से। अगर आपके अंदर ऐसा जवाब आता है कि हां मैंने ऐसा कोई काम किया है कि जिससे मैं रहूं या ना रहूं, काम करूं या ना करूं, लगातार मेरे परिवार में जिंदगी भर पैसा आएगा और हर साल डबल होता हुआ आएगा, उसके बाद मैं सच हाथ जोड़ के आपको बोलता हूं फिर आपको असली बिजनेस करने की जरूरत है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की पैसिव इनकम के लिए जाती है, एक्टिव इनकम के लिए तो मजदूरी भी की जाती है यार, इसलिए की जाती है कि मैं 3-4 साल काम करूं और उसके बाद में मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूं जिसकी वजह से मेरी टीम काम करे और मुझे लगातार पैसा। हमें सीखना चाहिए 2020 और 2021 से, आपके शहर के आपके जानने वाले बहुत सारे लोग दिल्ली मुंबई कलकत्ता में 20-30 साल से रहते थे दोस्त, और जब वो 20-30 साल से रहते थे, जैसे ही लॉकडाउन लगा मात्र 1 महीने के बाद बस पकड़ के ट्रक पकड़ के पैदल 500 किलोमीटर की दूरी तय करके लोग अपने गांव में आ गए, जो 20-20 साल से गांव में बोलते थे कि मैं तो मुंबई में मैनेजर हूं, आए थे कि नहीं आए थे, जो बोलते थे बैंगलोर में बहुत बड़ा कारोबार है हमारा, 1 महीने के लॉकडाउन ने उसकी औकात दिखा दी। और अगले महीने जब इनकम नहीं आई तो बोलते हमारे बच्चों की फीस नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है। मेरे दोस्त सोच के देखिएगा 20 साल जिंदगी के किया क्या यार, 20 साल क्या किया, 2 महीने लॉकडाउन लगने के बाद अगर हमारे पास पैसा नहीं है, 20 साल क्यों काम किया यार, हम में और जानवर में फर्क क्या रहा, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन सोचिए डेली पेट भरना डेली मेहनत तो जानवर भी करता है, क्या फर्क रहा हमें, लेकिन गलती हमारी नहीं है क्योंकि पहली बात हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और दूसरा कोई आदमी विजन देने वाला नहीं था। जिंदगी में आदमी कामयाब तब होता है जब उसके पास कोई प्लेटफॉर्म होता है और उसके बाद कोई उसको विजन देने वाला होता है, उसको एक समझाने वाला होता है कि आज जैसे सतवीर जी ने आपके सामने एक विजन दिया कि सरकारी नौकरी छोड़ के भी ओडी जैसी गाड़ी चलाई जा सकती है और लाखों रुपए महीना कमाया जा सकता है। शुक्ला जी ने एक विजन दिया
कि आप नौकरी की तरफ नहीं जाके आप नेटवर्क मार्केटिंग करके भी जैगुआर जैसी कार के मालिक बन सकते हो। शिव कुमार सर ने आपको एक एग्जांपल दिया कि सरकारी नौकरी को छोड़ के भी लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हो। मदन लाल जी ने आपको एक विजन दिया कि जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं और पेंशन पे गुजारा करते हैं और बोलते अब तो बच्चे ही करेंगे कुछ, उस उम्र में उन्होंने ये करके दिखा दिया जो 25 साल का बच्चा करने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने 7 साल की उम्र में साबित कर दिया कि अगर इंसान कुछ करना चाहे तो उम्र कभी उसके आगे नहीं आ सकती, बस उसके अंदर जरूर होना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। ये जगाने का काम अगर इस हॉल में किसी ने किया है तो उसका नाम मिस्टर महाराज जी है। अगर ताली बजानी है तो इनके लिए बजाइए, मेरे लिए मत बजाइए। उम्र को इन्होंने चुनौती दी कि किसी भी उम्र के अंदर किया जा सकता है, अदरवाइज हमने तो ऐसे